विकसित भारत को लेकर व्हाट्सएप पर इन दिनों कुछ मैसेजेस आ रहे हैं और इसके बाद एक शिकायत कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि उनके पास भी विकसित भारत के नाम से उनके व्हाट्सएप पे मैसेज आया और ये कहीं ना कहीं मोदी सरकार के काम का चुनाव प्रचार कर रहा है। देश में लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद अब आचार संहिता लग गई, यानी कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इसके बावजूद इस तरीके के मैसेजेस आना कहीं से भी सही नहीं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया। उन्होंने सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि इस तरीके की मैसेजेस आगे फॉरवर्ड नहीं किए जाए, आगे से ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये सरकार की जो काम है उसकी तारीफ करने का काम कर रहा है। ये अब लोगों के बीच ना फैलाया जाए क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इस तरीके की मैसेजेस अब किसी के फोन पर ना भेजा जाए और अगर इस तरीके का काम आगे भी होता है तो फिर इलेक्शन कमीशन को सूचित भी किया जाए। इस रिपोर्ट को देखिए। इससे पहले निर्वाचन आयोग को कई शिकायतें मिल रही थी कि लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद भी नागरिकों के फोन पर इस तरह के मैसेज अभी भी जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भी चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि उन्हें विकसित भारत के नाम से व्हाट्सएप पर मैसेज आया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने व्हाट्सएप पर विकसित भारत संपर्क का संदेश मिलने के बाद गोपनीयता का मुद्दा उठाया। तिवारी ने इसे आदर्श आचार संहिता और निजता के अधिकार का खुला उल्लंघन बताया। आयोग से निर्देश मिलने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि ये मैसेज आदर्श आचार संहिता लागू होने के पहले भेजे गए थे। हालांकि इसमें से कुछ मैसेजेस सिस्टम और नेटवर्क की समस्याओं के कारण लोगों को देरी से डिलीवर हुए हैं। वहीं आयोग ने मंत्रालय से इस मामले में तुरंत अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।